आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत बरोड़ा, पंचायत समिति सलूम्बर, जिला उदयपुर। भाजपा पार्टी से पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी भंवर सिंह कृष्णावत ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा, साथ ही बालिका शिक्षा के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। वे प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्रवासियों को लाभ मिले, यह मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में भंवर सिंह कृष्णावत के क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। न्यूज से किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बरोड़ा। बरोड़ा के जो भाजपा प्रत्याशी है भंवर सिंह जी कृष्णावत, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनके ऐसे क्या मुद्दे और क्या एजेंडे हैं जिनको लेकर वो इस पद पे आए हैं और इस पंचायत समिति सदस्य का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 19 से। तो उनसे खास मुलाकात है हमारी कि उनसे बातचीत करेंगे, ऐसे विकास कार्य आपके ग्राम पंचायत के प्रति क्या बाकी है जिनको आप सफल करवाएंगे। तो भंवर सिंह जी नमस्कार। भंवर सिंह जी, ये बताइए कि आपका ये चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किस कारण आप चुनाव लड़े? चुनाव लड़ने का ये है कि बीजेपी से कैंडिडेट हूँ जी, और यहाँ विकास बहुत धीरे हो रहा है जी, बहुत काम बाकी पड़े हुए हैं जी, रोडों के सीसी रोड नहीं है बिल्कुल। तो अब हमारा क्षेत्र तो ये आदिवासी क्षेत्र है जी, जो सब लोग रहते हैं तो कहीं प्रॉब्लम है, इनके रास्ते नहीं है, आज दूसरी हिसाब से है उसके लिए सब कराना है। तो भंवर सिंह जी, आपके कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी पंचायतें आ रही है? हमारे बरोड़ा और नोली दो पंचायतें हैं। बरोड़ा और नोली दो पंचायतें, दो पंचायत। तो दो पंचायतों में अभी आपने चुनाव प्रचार के हिसाब से आपने मान लो इसका निरीक्षण किया है, घर घर गए हो आप, तो आपको मेन मेजर कमियां क्या नजर आई जिसको आप पहले प्राथमिकता देंगे? जो जनता आपके साथ है, जनता अगर आपको चुनती है तो आप मेजर ऐसी कौन सी मेन कमी है जिसको आप फोकस करेंगे? मेन कमी रास्ता है, हर जगह रास्ता नहीं है जी, और रोड से जुड़े हुए लोग नहीं है जी, कच्चे रास्ते। मेन मेजर कमी रास्ते की है जी, सड़कें नहीं है जी, रोडे नहीं है। मेन रोडे पर अंदर बसे हुए हैं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पर रोडे नहीं है जी, बस वो मेन कमी वो पहला फर्स्ट अपन को जोड़ना है रोड जी। तो भंवर सिंह जी, यहाँ पेयजल हेतु और ऐसी कोई और समस्या है इसका आप समाधान करवाएंगे? हाँ, ये नल कनेक्शन करवाना है जी, और हेडपम्प वगैरह नल कनेक्शन का है थोड़ा जी, उसका करना है। फिर हमारे दोरे भी हैं जो पानी से ज़्यादा सिपेज हो रही है जमीन जी, दोरों का भी काम है, जो नए बेसमेंट से जो पानी आता है जी जी, बहुत सी जमीन खराब हो रही है, तो उनका भी पक्के दोरे कराने हैं जी, वो करवाना है ताकि जमीन। बहुत ही अच्छा सुझाव रहा आपका कि जैसे पेयजल हेतु आपने बताया नल सुविधा है और सीसी सड़कों का निर्माण है, तो ग्राम पंचायत को आप अपनी जो दो ग्राम पंचायतें हैं नौली और बरोड़ा, इसको राजस्थान में किस रूप में देखना चाहते हैं? इसको एक बहुत अच्छे स्वच्छ भारत मिशन से भी जोड़ेंगे इसको, और अच्छा और निर्मल ग्राम पंचायतें होनी चाहिए हमारे, बिल्कुल स्वच्छता अभियान भी अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरी पंचायत हो दोनों जी, सड़कों से जुड़ी हो जी। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका। तो भंवर सिंह जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा कि जैसे यहाँ ये है अपना एक ट्राइबल एरिया है, तो इस क्षेत्र के अंदर मान लो लगभग सभी 36 कौम रह रहे हैं, और वैसे देखे तो आदिवासी लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पढ़ाई का जो शिक्षा का रुझान है बहुत कम है, तो आप अगर इस पद पे आते हैं, लोग आपको विजय बनाते हैं, जनता आपको लाती है, तो आप शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? शिक्षा के प्रति भी इनके साथ जो भी होगा वो करेंगे जी, और जोड़ेंगे लोगों को जी, और जैसे 10+ तो है हमारे बालिका स्कूल खोलने के लिए भी हमने आगे मांग की है, और शिक्षा के रूप में सब नवयुवकों को सब जागरूक करेंगे बिल्कुल, और उसमें भी अच्छा काम करेंगे जी। बहुत ही अच्छा बढ़िया आपका सुझाव है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को और बालकों को और सब मान लो घर घर जाके मोटिवेट करेंगे कि इन ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जुड़ जाए आपका। तो एक क्वेश्चन और करूंगा साहब आपसे कि ये ट्राइबल एरिया है, इसके अंदर आदिवासी जो लोग रहते हैं और भी कई कास्टें हैं, सब लोग रह रहे हैं, तो यहाँ नशे की प्रवृत्ति बहुत थोड़ी ज्यादा है, तो नशा मुक्ति के लिए आपके क्या प्रावधान?
नशा मुक्ति के लिए वैसे पहले वाली बात तो नहीं रही है जी, जी। अब हमारे जो आदिवासी लोग हैं ये भी समझने लग गए हैं कि पहले जो हुआ आज नहीं कर रहे हैं, कहीं जुड़े हैं और अब सब नवयुवकों को जोड़ा है बिल्कुल, इसमें भी इनके साथ मिलकर कदम उठाएंगे कि इस बात को छोड़े बिल्कुल, और काफी हुआ है जी। कंट्रोल ये नवयुवक से जुड़े हैं जी, कंट्रोल हुआ और भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया सुझाव आपका कि आज जो बेल्ट है, आज की जो पीढ़ी है उसमें सुधार है और सब लोग आजकल समझ रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं और नशा मुक्ति से वैसे भी दूर है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो आप नशा मुक्ति की तरफ ध्यान दें। और भी एक सवाल आपसे और रहेगा मेरा कि यहाँ है जो किसान वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो आज आपके भाई बंधु जो कार्यकर्ता हैं सब किसान वर्ग के लोग हैं, तो किसानों के प्रति आपके क्या मान लो रुझान रहेंगे आगे? किसानों के प्रति जो भी नई योजना आ रही है उनको लागू करेंगे, आगे से लाएंगे, जो भी इनको जो अनुदान मिलना चाहिए जी, अभी जो काफी योजनाएं चल रही है सेंटर जी, जी, जी। उसको लाएंगे, इनको दिलवाएंगे, अभी जानकारी नहीं है यहाँ लोगों को, बताता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, गाँव में है तो किस पे क्या है, सब्सिडी किस पे है, ट्रैक्टर पे क्या, तार बंदी पे, योजना जानकारी नहीं लोगों को, सही है, उसमें जागरूक करेंगे बिल्कुल और जोड़ेंगे सबको। सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आएगी वो मैं किसानों तक पहुंचाना निस्वार्थ भावना से आपका कर्तव्य रहेगा। और बताइए सर, और भी कोई समस्या आपकी जो उनको समाधान पक्ष करेंगे आप? पहले समस्या तो हमारे ये जैसे विद्युतीकरण में और ये लाइट बिल वापिस चालू, लाइट बिल ज्यादा आ रहे हैं। अभी सरकार पहले पैदा हमारा वसुंधरा सरकार थी तो इनका कम किया था, बिल्कुल वापिस चालू कर दिया, बिल्कुल माफ किया था, वापिस चालू कर दिया इन्होंने जी। और किसानों को भी वो जो पैसे मिलते थे तो वो भी बंद किए हैं इन्होंने, वो भी वापिस करवाएंगे। लाइट बिल तो 2 लाख रुपए देते थे, वो भी 2 लाख का इन्होंने वादा किया, 2 लाख में ये सरकार बनी है, गिर जाएगी और सरकार बन गई है, और 2 लाख का वादा किया, किसी के माफ नहीं हुए बिल्कुल सही। हाँ, 2 लाख का ये तो करके ने जीत के बैठे। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका कि किसानों के जो भी सरकार ने जो वादे किए वो आज तक झूठे जा रहे हैं, और किसानों के हित का कोई अगर आपके लायक यहाँ कोई भी योजना आती है तो आप इनको निस्वार्थ भावना से देंगे। और बिजली बिल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, गरीब की क्षेत्र के लोग हैं, गरीबी वर्ग के लोग हैं तो उनको बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी जैसे अभी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इसमें आप एक चीज़ आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, बहुत भयंकर विकराल रूप ले रही है हमारे देश में और कई लोगों की जान मान हानि घटना हो चुकी है, तो इसमें अभी आप जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का जनता क्या मान लो गाइड कर रहे हैं? अभी बिल्कुल भी ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर रहे हैं हम जी, 4 या 5 आदमी ही बना के ना ग्रुप बना के ज़्यादा कोई के 5-50 आदमी इकट्ठे करके ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं जी, जी। 4-4, 5-5 अभी मेरे साथ 5 आदमी हैं जी, चलो उसी हिसाब से 5-5 आदमियों से मिल रहे हैं जी, 4-5 आदमियों से इकट्ठे करके, कई मीटिंगें नहीं हो रही है कुछ नहीं जी, मोहल्ले वाइज डोर टू डोर जी, जैसे 4-5 आदमी हैं तो यहाँ मिले वो, और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रख रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका कि जान है तो जान है लोगों को, आज आप अगर प्रचार के माध्यम से ये भी अगर गाइड कर रहे हो कि कोरोना जैसी महामारी से बचो तो बहुत अच्छी बात है। और मोहन सिंह जी, आपने जो हमें आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो आपने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।